फ्रेंड्स, टारगेट विद कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक कर रेगुलर अपडेट्स प्राप्त करें। फ्रेंड्स, SBI की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज आज राजस्थान पत्रिका के एक न्यूज़पेपर है उसमें छपी है, जिसमें कि अरुंधति भट्टाचार्य जो SBI के चेयरपर्सन है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि SBI में फ़िलहाल कोई भी भर्ती आगामी समय में नहीं होगी। तो स्पष्ट है कि SBI में जो बैंकों का विलय हुआ है, जो 5 जो बैंकें हैं उनका जो विलय हुआ है, उसके बाद SBI में जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की संख्या बहुत अधिक हो गई है, जिसके बाद अरुंधति भट्टाचार्य को ये बयान देना पड़ा कि SBI में फ़िलहाल समय में और ज़्यादा भर्तियां नहीं होंगी। क्या है पूरा मामला देखते हैं। 5 सहयोगी बैंकों के विलय के बाद देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक SBI ने नई भर्तियों की संख्या कम करने का फैसला किया है। SBI ने यह फैसला दरअसल इसलिए किया है क्योंकि फिलहाल उस पर सहयोगी बैंकों से आए कर्मचारियों को समाहित करने का भारी दबाव है। हाल ही में जारी हुए तिमाही के नतीजों के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की SBI की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि मैं नहीं मानती कि हम बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। क्लर्कों की बात की जाए तो इसमें किसी तरह की भर्ती नहीं होने वाली। हालांकि अधिकारी स्तर पर साल के अंत में कुछ लोगों को हायर किया जा सकता है। एसोसिएट बैंकों के विलय के चलते हमारे पास पहले से एम्प्लॉयज़ का ओवरफ्लो है। तो फ्रेंड्स, इस विज्ञप्ति के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है चेयरपर्सन के माध्यम से कि क्लर्क आगामी साल 2 साल में क्लर्क SBI क्लर्क की कोई भी भर्ती होने की संभावना नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि अधिकारियों की जो भर्ती है वो साल के अंत में या अगले साल के शुरुआत में हो सकती है। तो ये बहुत निराशाजनक खबर है SBI के माध्यम से जो आ रही है नए फ्रेशर्स युवा लोगों के लिए। SBI को कम से कम फ्रेशर्स का भी ध्यान रखना चाहिए कि छोटे स्तर पर ही सही, कम ग्रुप्स में सही, कुछ ना कुछ भर्तियां क्लर्क या PO लेवल की निकालनी चाहिए। अगले किसी अन्य न्यूज़ के साथ हम एक बार फिर उपस्थित होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।